एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर हम सब अपनी एक ऐतिहासिक कथा जो कि बिल्कुल सच्ची है, विच इज़ फुल्ली ट्रुथ, जिसका नाम हमने रखा है बदला रिवेंज, उसके बाद उसे पढ़ेंगे। ओके, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी की शुरुआत होती है एक राज्य से। भारत में बहुत समय पहले एक कौशल नाम का राज्य था। कौशल नाम का राज्य था ये राप्ती नदी के किनारे पे था। ये बहुत महान नगर था और इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी कौशल राज्य की। कौशल के राजा का नाम प्रसेनजीत था, और जो प्रसेनजीत था वो महान हम कह सकते हैं महान राजा भी था, और साथ साथ में वो बुद्ध भगवान का भक्त भी था। और इस टाइम जब कौशल राजा था और प्रसेनजीत राजा था, उस टाइम बुद्ध भगवान जो थे वे जीवित थे, और जो प्रसेनजीत थे वो बुद्ध भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठ और बुद्ध के मंदिर भी बनवा रखे थे, और वे हर सप्ताह हम कह सकते हैं 500 बुद्ध भिक्षुओं को खाना खिलाए करते थे। तो एक दिन प्रसेनजीत को क्या पता चलता है, कि जो भी बुद्ध लोग महल में खाना खाने आते हैं वो महल में भोजन नहीं करते हैं, वो महल से भोजन अपने घर ले जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ खाते हैं। तो प्रसेनजीत ने ये सारी बातें अपने लोगों से पूछी, मंत्रियों से पूछी, तो उन्हें उससे पता चलता है कि जो बुद्ध ये जो भिक्षु आते हैं ये सब शाक्य वंश से बिलोंग करते हैं, सब शाक्य वंश के हैं, और हम जानते हैं भगवान बुद्ध भी शाक्य वंश के ही थे। तो शाक्य वंश के लोगों की एक नीति होती है, हम कह सकते हैं परंपरा होती है, कि अब वह अपनी जाति के लोगों के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। तो प्रसेनजीत ने इस पर बहुत सोच विचार किया और उन्हें एक सुझाव आया। उन्हें सुझाव ये आया कि अगर वे किसी शाक्य वंश की राजकुमारी से विवाह कर लें तो क्या होगा, तो शाक्य जो बुद्ध भिक्षु हैं वे उनके यहाँ महल में भोजन करेंगे। तो उन्होंने इरादा कर लिया कि वे शाक्य वंश की राजकुमारी से विवाह करेंगे। कुछ समय बाद वे शिकार पर गए हुए थे अपने सैनिकों के साथ। तो एक शिकार करते करते, एक जंगली जानवर का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अब वे अपने आप को उन्होंने अकेला देखा, तो उन्होंने सोचा अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए, तो वे सीधे ही सीधे चलते चले गए। अब जैसे जैसे वे सीधे चलते गए तो उन्होंने देखा कि वे चलते चलते एक शाक्य नगर में पहुँच गए हैं। दौड़ते दौड़ते वे कहाँ पहुँच गए, शाक्यों के राज्य में पहुँच गए हैं। और जब शाक्य को पता लगा कि राजा प्रसेनजीत उनके राज्य में आए हैं, तो उन शाक्यों के लोगों ने बड़े ही आदर और सम्मान से उनका वेलकम किया। अब उनके अतिथि सत्कार से राजा बहुत प्रसन्न हुए वह कुछ दिनों तक शाक्य की राजधानी, जो शाक्य राज्य था उसकी राजधानी थी आपकी कपिलवस्तु, उसके मेहमान बन के रहे। जो कपिलवस्तु थी वो कौशल के अंतर्गत थी, कौशल के नीचे थी। इसी दौरान राजा प्रसेनजीत ने अपनी इच्छा प्रस्तुत की कि मैं किसी शाक्य वंश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। अब जो शाक्य वंश के लोग थे वे ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजा शाक्य वंश की राजकुमारी से विवाह करें, बट वे राजा को मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कपिलवस्तु कौशल के अंतर्गत आती थी। तो उन सब की एक बैठक हुई, उन सब ने सोचा कि अब क्या करा जाए। तो उन सब ने, एक इंसान ने कहा कि मैं इस मामले में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे घर में एक नौकरा दासी की बेटी है जिसका नाम है वासवी। जो वासवी है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी भी है और 16 वर्ष की है, तो हम क्यों ना उसकी शादी प्रसेनजीत राजा से करा दें, ये कह के कि वो शाक्य वंश की राजकुमारी है। तो उन्होंने ऐसा ही करा, वासवी की शादी किससे करा दी, वासवी की शादी करा दी राजा प्रसेनजीत से, और कहा कि वासवी तो हमारे यहाँ की राजकुमारी है। अब जैसे वासवी को राजा प्रसेनजीत अपने राज्य में लौट कर आए, तो राजा प्रसेनजीत, वासवी बहुत दुखी थी, वासवी रो रही थी। राजा प्रसेनजीत ने उनसे पूछा व्हाई आर यू क्राइंग, तो वासवी ने कहा कि शाक्य वंश के लोगों ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने मुझे झूठी राजकुमारी बनाया है, मैं तो दासी हूँ। तो प्रसेनजीत को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और बहुत बड़ा उनको क्या लगा, धक्का लगा। तो वे उसी समय बदला लेने की सोच रहे थे, मगर ठंडे दिल से सोचने के बाद उन्होंने मन ही मन शाक्य को क्षमा कर दिया और अपनी पत्नी को गले लगाकर सतावना दी। तो पर उन्होंने तो क्षमा कर दिया, मगर जैसे जैसे प्रसेनजीत का प्यार वासवी के लिए बढ़ता जा रहा था और वासवी को इतनी घृणा होती जा रही थी, किससे, उतनी उतनी घृणा उसे शाक्य के लोगों से होती जा रही थी। तो इसलिए वो बहुत
सालों से शाक्य में गही नहीं थी शादी होने के बाद। अब वासवी की शादी तो हुई गई थी, तो अब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था विरूधक, जो कि बहुत ही बलवान और बहुत ही सुंदर पुत्र था। जो विरूधक था वो बार बार वासवी से पूछता था कि मेरे नाना नानी कहाँ हैं। तो वासवी जो थी वो उन्हें उसे मना करती थी कि नाना नानी तो दूर रहते हैं, आप मत जाओ। बट एक दिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा, तो वासवी को उसको नाना नानी के पास भेजना ही पड़ा। तो जो विरूधक था वो वहाँ गया, अपने ननिहाल गया विरूधक। अब जैसे ही विरूधक अपने ननिहाल पहुँचा, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि विरूधक आया, तो वे उसका बिल्कुल आदर सम्मान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे एक दासी के पुत्र को आदर सम्मान करें। बट उन्हें ये करना पड़ रहा था, क्योंकि राजा प्रसेनजीत का बेटा था विरूधक। तो उन्होंने मन मार के उसका आदर सम्मान किया, और विरूधक को ऐसा लग भी रहा था, विरूधक को उतना प्यार भी नहीं मिल रहा था अपने नाना नानी से जितना उसे मिलना चाहिए था। आखिरकार कुछ समय वहाँ रुक के वो वापस आने लगा, तो एकदम उसे याद आया कि वो अपनी तलवार वहीं भूल गया है शाक्य के राज्य में। तो वो अपनी तलवार लेने जैसे ही अपने ननिहाल पहुंचा, तो उसे दिखाई दिया कि उस एक दासी जिस सिंहासन पर वो बैठा था, उस सिंहासन को साफ कर रही है, धो रही है। तो उसने उस दासी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो दासी ने उसे बताया कि इस सिंहासन पे कुछ देर पहले एक दासी का पुत्र बैठा था, तो इस वजह से मैं इसे साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये अपरिवर्तित हो गया है, इसलिए इसे धोना जरूरी है। यह बात सुनकर विरूधक परेशान हो गया। उसने आके वासवी से पूछा, क्या ये सच है? तो वासवी बताती है, हाँ मैं एक दासी की बेटी हूँ, तुम्हारे पिता के साथ शाक्य ने धोखा किया है। तो ये बात सुनकर जो प्रसेनजीत जो आपका विरूधक होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। और कुछ समय बाद जब प्रसेनजीत मर जाता है, तो विरूधक क्या बनता है? राजा बनता है। और वो इतनी बड़ी भयानक सेना तैयार करता है शाक्य पे हमला करने के लिए, और वो तुरंत ही कपिलवस्तु की ओर आक्रमण कर देता है। उसकी विरूधक की सेना इतनी बड़ी थी कि जो शाक्य के राजे होते हैं वो हार जाते हैं, और विरूधक उन्हें जीत लेता है। अब जैसे विरूधक जीत के वापस आ रहा होता है, तो एकदम ही अजात शत्रु जो मगध का राजा था, वो विरूधक पे हमला कर देता है बीच रास्ते में ही। जैसे यहाँ था आपका शाक्य का वंश, शाक्य, यहाँ था आपका कौशल। तो जैसे विरूधक यहाँ पे आ रहा होता है, इतना लंबा रास्ता तय कर रहा होता है, तो यहाँ बीच में ही अजात शत्रु जो कि मगध का राजा था, वो उस पर हमला कर देता है। अब विरूधक ने शाक्य राजे तो जीत लिया था, और मगध के राजे ने, विरूधक का राजा था कौशल, और मगध के राजे ने किसे जीत लिया? विरूधक को। तो मतलब मगध के राजे ने फिर शाक्य को भी और कौशल को भी दोनों ही अपने अंदर मिला लिया, और कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती वो उजड़ गई पूरी की पूरी, और शाक्य और कौशल वंश दोनों ही मगध के अंतर्गत आ गए। तो ये था बदला, विरूधक ने कैसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, और फिर वो ही मर गया बेचारा। सो ये थी हमारी पूरी कहानी। ये पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौशल क्या थी, कौशल की कहानी क्या है। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमें इनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू।